हाय अंकुर, मैंने तो सुना है कि आप बहुत अच्छी लग्जरी प्रॉपर्टीज जो है दिखा रहे हैं बहुत अच्छे रेट्स में। बिल्कुल दिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे रेट्स पे दिखा रहा हूँ। कभी भी अपने क्लाइंट को निराश नहीं करता हूँ, जैसा मेरा क्लाइंट मांगता है वैसा उसको प्रॉपर्टी देता हूँ। चलिए फिर आज दिखाइए मेरे को प्रॉपर्टीज, मैं पैसे साथ में लेके आई हूँ। बिल्कुल मैम, आपको दिखाएंगे और लग्जरी प्रॉपर्टी दिखाएंगे और बहुत सुंदर प्रॉपर्टी दिखाएंगे। सबसे पहले जो है कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ इस प्रॉपर्टी के बारे में। अभी हम खड़े हैं इस प्रॉपर्टी के बिल्कुल बाहर और जो है ये है 15 मीटर की रोड। जी ब्लॉक जो है पालम विहार के अंदर प्रीमियम ब्लॉक के अंदर आता है, तो यहाँ पर हर तरीके की कनेक्टिविटी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर है, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर है, स्टेट गवर्नमेंट छोड़ो कैबिनेट ने भी जो है यहाँ पर मेट्रो अप्रूव कर दी गई है। आप ग्रीनरी देखो यहाँ की, बेसिकली आप अपने घर से बाहर आते हो ना तो आपको कोई शोर नहीं मिलता, बिल्कुल पीसफुलनेस। आसपास सारी की सारी कोठियाँ मिलेंगी आपको देखने को, और जेंट्री जो है कहते हैं बहुत ही शानदार जेंट्री यहाँ पर आपको मिलने वाली है। मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस के अंदर भी दिखाया था कि जी जे के ब्लॉक जो है कहते हैं पालम विहार के प्रीमियम ब्लॉक्स के अंदर आता है, तो आज उसी कमिटमेंट को पूरा करते हुए जो है मैं पालम विहार में दोबारा से जी ब्लॉक के अंदर एक 520 गज में प्रॉपर्टी लेके आया हूँ और वो प्रॉपर्टी आपको अब दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले जो है जैसे मैंने बोला था कि कभी भी अपने क्लाइंट को निराश नहीं करता और लग्जरी प्रॉपर्टी ही देता हूँ, तो आओ कर लेते हैं इसका टूर और देख लेते हैं कितनी लग्जरी है प्रॉपर्टी। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये लग्जरी आपको लगी या नहीं लगी। चलो चलते हैं, देखते हैं इस होम टूर को। गाइस कैसा लगा आपको फ्लोर? मैंने कहा था ना आपको लग्जरी में कोई कमी नहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम इसकी डिटेल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी किचन, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है। बेसिकली ये जो डाइनिंग स्पेस है मेरा यहाँ पर किचन के जो बिल्कुल साथ में जो है कहते हैं, अब मेरे को डाइनिंग स्पेस मिला है इतना प्यारा, इतना बड़ा, इतना स्पेशियस डाइनिंग स्पेस मिला है विद WPC का जो काम करा हुआ है विद गोल्डन स्ट्रिप, जो है बहुत ही शानदार लग रहा है। साथ में जो है कहते हैं दो पाम प्लेस कर दिए गए हैं, अमेजिंग जो है कितना अमेजिंग डिज़ाइन है। देन आपका यहाँ पर आप देखो बेसिकली यहाँ पर भी आपका स्पेस है, एंड बीच में एक सेंटर टॉप आपको दे दिया गया है ताकि आप यहाँ वाले से आराम से जो है कोऑर्डिनेट कर सकें। हस्बैंड वहाँ पर कुकिंग कर रहा है, वाइफ यहाँ पर कुकिंग कर रही है, दोनों की केमिस्ट्री अलग है और दोनों जो है कहते हैं एक टॉप पर आकर आराम से एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो बेसिकली जो है कहते हैं 520 गज की जब हम बात करते हैं तो स्पेस की तो वैसे भी कोई कमी नहीं रहती है। लोकेशन ऑसम है, जब आप आओगे आपको लोकेशन से 1% की कंप्लेंट नहीं मिलेगी। सेकंड जो है कहते हैं घर 520 गज का बहुत स्पेशियस है, 4 BHK के अंदर ये घर है आपका, और कहते हैं पालम विहार के प्राइम लोकेशन प्राइम ब्लॉक के अंदर जी ब्लॉक के अंदर ये घर है। एंड पूरा का पूरा जो है कहते हैं आपको यहाँ पर इटालियन फ्लोर मिलता है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ सारे रूम्स के अंदर लेके जाता हूँ स्पेशियस किचन देखने के बाद जो है। सबसे पहले मैं आपको लेके जाता हूँ लिविंग रूम के अंदर। लिविंग रूम जो है कहते हैं आपको यहाँ पर, आप ये देखिए बेसिकली ये आपको व्यू आ रहा है लिविंग रूम से,
तो यहाँ से जो है कहते हैं आप सामने जब आप यहाँ पर कर्टेंस प्लेस हो जाएंगे तो आपका जो है कहते हैं वो वाइब जो आपको मिलनी चाहिए वो वाइब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। प्लस जब आप कर्टेंस जो है कहते हैं यहाँ से रिमूव करते हैं तो सामने आपको पूरी की पूरी ग्रीनरी देखने को मिलेगी एंड जो है ग्रीनरी के साथ जो है कहते हैं आपको सारा कोठियों का काम होता हुआ दिखेगा। देन बीच में बहुत बड़ा शेंडे लगा दिया गया है। यहाँ लिविंग रूम का जो है कहते हैं आपको इतना बड़ा स्पेस दिया गया है। इसके बाद लिविंग रूम के अलावा यहाँ पर आपको अलग से फैमिली लाउंज का स्पेस दे दिया गया है। तो बेसिकली लिविंग रूम भी है एंड देर इज एन एडिशनल स्पेस ऑफ फैमिली लाउंज हेयर। तो इसके अलावा जो है कहते हैं यहाँ पर आपको एक पाउडर रूम भी दिया गया है। सो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा पाउडर रूम। सो फैमिली लाउंज है, बहुत प्यारी सी किचन है, डाइनिंग स्पेस जो है कहते हैं आपका सेपरेट है, देन इसके अलावा लिविंग रूम जो है कहते हैं आपका सेपरेट है एंड पाउडर रूम जो है कहते हैं आपका सेपरेट है। इसके अलावा जो है कहते हैं यहाँ पर जब मैं घर की एंट्री पे आता हूँ तो एंट्री पे भी मुझे यहाँ पर इतना बड़ा स्पेस मिल रहा है। यहाँ पर एंट्री पे जो है कहते हैं आप अपना मंदिर बना सकते हैं, तो मंदिर का स्पेस भी जो है कहते हैं यहाँ पर आपको दिया गया है। एंड देन जो है कहते हैं हमारे आगे 4 बेडरूम एंड देन फ्रंट बालकनी एंड रेयर बालकनी। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपने 4 बेडरूम के अंदर और दिखाता हूँ कितना स्पेशियस है। एंड इसके अलावा जो है कहते हैं आपको इस घर में आने के और क्या क्या फ़ायदा होंगे, चलो चलते हैं और पहले देख लेते हैं रूम एंड देन फिर बताता हूँ आपको और क्या एडवांटेजेस रहेंगे इस घर को बाय करने के। सो गाइज हम एंटर कर रहे हैं अपने पहले बेडरूम के अंदर और पहले बेडरूम के अंदर आपको मिल रही है वुडन फ्लोरिंग। अभी जो है कहते हैं ये बिकॉज फ्लोर जो है कहते हैं फिनिशिंग में है, लेकिन उसके बावजूद भी बिकॉज लोकेशन इतनी प्राइम है, अच्छी कंस्ट्रक्शन है एंड जो है कहते हैं आपको काफ़ी स्पेशियस कहते हैं प्रॉपर्टी मिल रही है वो भी बहुत ही कम प्राइस के अंदर, इसलिए इसके ऑलरेडी 2 फ्लोर बिक चुके हैं विच इज़ टॉप विथ टेरेस एंड 3rd फ्लोर। तो अब जो है इसके अंदर 2 फ्लोर बचे हैं विच इज़ अपर ग्राउंड एंड 1st फ्लोर। तो अगर कोई बेसिकली जो है कहते हैं इन 2 फ्लोर की किसी की डिमांड है पालम विहार के अंदर, अदरवाइज जो है कहते हैं मेरे पास तो प्रॉपर्टीज आपको और भी मिल जाएंगी जिसके अंदर आपको टॉप विथ टेरेस भी मिलेगा, जिसके अंदर आपको दूसरे टॉप विथ टेरेस नीचे वाला फ्लोर भी मिलेगा। बट अगर आपको ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी और आप इस प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली जो है कहते हैं आपको ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी जो है कहते हैं बहुत ही मिनिमिस्टिक रह गई है। इसका रीज़न ये है कहते हैं कि कोई ज़्यादा खास कंस्ट्रक्शन चल नहीं रही है पालम विहार के अंदर और कहते हैं ऐसी प्राइम लोकेशन के अंदर बहुत 1 या 2 प्रॉपर्टी ही आपको मिलेंगी। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप समझेंगे इस लोकेशन की अहमियत। सो यहाँ पर जो है कहते हैं अभी ये काम फिनिशिंग पे है, वाइट वॉश का जो है कहते हैं जो प्लास्टिक पेंट आपका हो रहा है यहाँ पर जो है कहते हैं वो अभी आखिरी कोट नहीं लगाया गया है। तो इसमें एक चीज़ और है कि कल को आपको लेट से दैट यू बाय दिस फ्लोर आपको फर्नीचर से जो है कहते हैं अपना पेंट मैच करना है तो वो पॉसिबिलिटी भी आपकी यहाँ पर मिल जाती है आपको। देन जो है कहते हैं यहाँ पर हमारा बाथरूम अटैच है। बाथरूम में जो है कहते हैं आपके कहीं भी कोई अलमीराज में कपबोर्ड्स के अंदर जो है कोई मॉइस्चर ना आए, तो इसको ड्रेसिंग को बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है। यहाँ पर आप बेसिकली देखेंगे ये बिल्कुल सेपरेट कर दी गई है तो आपको काफ़ी अच्छी स्टोरेज मिल जाती है। बाथरूम स्पेशियस है, 520 गज की जगह तो बाथरूम स्पेशियस मिलेंगे आपको। एंड जो टाइल्स का काम है ऊपर वॉल टू वॉल काम करा गया है ताकि आपकी मेंटेनेंस की जो है कहते हैं सारी चिंता खत्म हो जाए। तो मेंटेनेंस की सारी चिंता खत्म हो गई है, टाइल्स का वॉल टू वॉल काम करके दिया गया है आपको। यहाँ पर हम इस वाले रूम से बाहर निकलते हैं और चलते हैं अपने 2nd बेडरूम के अंदर। सो ये आ गया मेरा 2nd बेडरूम। अच्छा, इन रूम्स की बेसिकली खासियत और इस प्रॉपर्टी की खासियत ये है कहते हैं कि ये जो है आपकी सनलाइट जो है कहते हैं प्रॉपर आ रही है आपकी यहाँ पर, हर तरीके से जो है कहते हैं वेंटिलेटेड है। जितने भी रूम्स हो गए आपके, जितने भी जो हैं कहते हैं लिविंग रूम हो गया आपका या फिर बेडरूम्स हो गए, सारे के सारे जो हैं कहते हैं बालकनी से वेंटिलेटेड हैं आपके। तो उस हिसाब से जो है कहते हैं काफ़ी अच्छी स्पेशियस चीज़ आपको मिल रही है। देन यहाँ पर जो है अगेन बाथरूम का अगर आप साइज़ देखेंगे तो आपको ह्यूज बाथरूम का साइज़ मिल रहा है। अगेन जो है कहते हैं वॉल टू वॉल जो है कहते हैं टाइल्स का काम आपको करके दिया जा रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी सारी मेंटेनेंस 0 कर दी गई हैं। एंड देन जो है कहते हैं आपको अलग से यहाँ पर पूरा स्टोरेज कपबोर्ड्स एंड ऑल सब कुछ प्रोवाइड हो रही हैं। देन हम यहाँ से बाहर आते हैं, ये आ जाता है मेरा 3rd बेडरूम। एंड 3rd बेडरूम में भी जो है 3rd बेडरूम इज इक्वली जो है कहते हैं उतना ही खूबसूरत है जितने बाकी के 2 बेडरूम हैं।
सो अगेन आपको जो है कितने स्टोरेज आप देखोगे बहुत ही अच्छा पीयू फिनिशिंग के अंदर जो है कितने आपको सारे कपबोर्ड्स दिए गए हैं और मिरर्स दिए गए हैं, अंदर सारी LEDs आपकी लगी हुई हैं। अगेन मैंने आपको बोला आप थोड़ा बहुत जो है आपको दिख सकता है मिट्टी वगैरह हो रखी है बिकॉज प्रॉपर्टी जो है कितने फिनिशिंग पे है एंड तो आप प्लीज मिट्टी को इग्नोर कीजिएगा, लेकिन जब आप आएंगे तो आई एम श्योर कहते हैं यू विल लाइक द प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हम जब बाहर आते हैं तो मेरा जो फोर्थ रूम है वो बिल्कुल जो है कहते हैं फ्रंट में है आपका। यहाँ से हम आते हैं अपने फोर्थ रूम के अंदर और कहते हैं फोर्थ रूम में आने के बाद यहाँ पर आपको बेसिकली सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर बालकनी के अंदर। सो हम यहाँ से बाहर चलते हैं और अपनी बालकनी की तरफ आते हैं, फ्रंट बालकनी की तरफ। मैं क्यों आपको बोल रहा था लोकेशन बहुत अच्छी है, आपने अभी जो है जब मैंने वीडियो अपनी स्टार्ट करी थी तब आपने देखा होगा लोकेशन बेसिकली नीचे। अब आप यहाँ से बेसिकली व्यू देखिए, आसपास कहीं भी आपको कोई बिल्डर फ्लोर नहीं देखने वाला, पहली बात। दूसरी बात जो है कहते हैं मेरे सामने जो है कहते हैं 500 गज की कोठियाँ हैं, तो मेरे को जो है कहते हैं मेरे सामने एक बहुत ही लंबा ओपन स्पेस देखने को मिलता है। एंड देन उस कोठियों के आगे जो है जितनी आप ग्रीनरी एक्सपेक्ट भी नहीं करते उतनी ग्रीनरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो जब आप अपनी बालकनी में खड़े होंगे, कॉफ़ी का ग्लास आपके हाथ में होगा, कप आपके हाथ में होगा, तो आई एम डेफिनेटली जो है कहते हैं आपकी जो मेडिटेशन है वो मनी मन जो है कहते हैं आपकी हेल्थ को और अच्छी करती रहेगी बिकॉज आसपास सारी तरफ ग्रीनरी दिखेगी आपको और ओपन स्पेस, बिकॉज जब बिल्डर फ्लोर बन जाता है तो वो ओपन स्पेस कवर हो जाता है, लेकिन जो है कहते हैं बिकॉज ऑफ दैट कोठी जो है कहते हैं आपका ओपन स्पेस ब्लॉक नहीं हो रहा है। तो ये जो है कहते हैं ब्यूटी है इस लोकेशन की। एंड यहाँ पर बालकनी भी जो है कहते हैं आपको फ्रंट बालकनी होगी, रियर बालकनी होगी, काफ़ी वाइड है। एंड देन स्टिल्ट के ऊपर जो है स्टिल्ट में पीछे की तरफ जो है कहते हैं आपको एक गार्डन एंड लोन जो है कहते हैं तैयार करके दिया है बिल्डर ने, तो वो भी जो है कहते हैं आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस बेसिकली जो है कहते हैं मिलेगा। सो हम अपने रूम में वापस चलते हैं। तो ये जो रूम है अगेन यहाँ पर जो है कहते हैं बाथरूम अटैच है आपका और बाथरूम में जो है कहते हैं आपकी अलमीराज को बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया, ड्रेसिंग को सेपरेट कर दिया गया ताकि यहाँ पर आपका अलमीराज में कोई भी किसी तरह का कोई मॉइस्चर ना आए। देन ये जो बेसिकली आपका बाथ एरिया है उसको टोटली जो है कहते हैं सेपरेट कर दिया गया है, एंटी स्लिप टाइल्स लगाई गई हैं बाथ एरिया के अंदर और यहाँ पर अगेन जो है कहते हैं वॉल टू वॉल पूरा का पूरा टाइल से जो है कहते हैं इसको कवर कर दिया गया है। तो ये हम बेसिकली ये था हमारा 4 BHK के अंदर 520 स्क्वायर यार्ड पालम बिहार में खूबसूरत लग्जीरियस जो है कहते हैं जी ब्लॉक के अंदर आपका बिल्डर फ्लोर और ऐसी प्रॉपर्टी जो है कहते हैं बहुत ही रेयर बची है। अगर आप देख रहे हैं कुछ अच्छे दाम के अंदर, यानी अगर आपका बजट है कहते हैं अराउंड 4 CR के अंडर जो है कहते हैं, तो आप डेफिनेटली जो है कहते हैं आपको यहाँ पर आना चाहिए, विज़िट करना चाहिए। पालम बिहार के रेट मेट्रो के कैबिनेट से पास होने के बाद काफ़ी बढ़ गए हैं, बहुत लोगों ने जो है कहते हैं अपनी प्रॉपर्टी को रिज़र्व करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस रीज़न से जो है कहते हैं आपको अभी भी टाइम है, अभी भी सही टाइम है अगर आप कोई चीज़ बाई करना चाहते हैं बिकॉज यहाँ पर बहुत जल्दी DLF 1 और DLF 2 जैसे रेट आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी भी देर ना करें, जैसे ही द्वारका एक्सप्रेसवे अप एंड रन हो जाएगा तो यहाँ के रेट भी काफ़ी जो है कहते हैं हाई फाई हो जाएंगे और फिर आप बेसिकली कहेंगे कि ये रेट इतने कैसे बढ़ गए। तो जल्दी से देर ना करें एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें बिकॉज ऐसी लग्जरी प्रॉपर्टी आपको सिर्फ एंड्रा द लग्जरी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही मिलेंगी। और कहते हैं एक बार उस मैम को बुला लेते हैं जिन्होंने कहा था कि मुझे मैं पैसे लेके आई हूँ प्रॉपर्टी दिखाओ, पूछ लेते हैं उनसे ये प्रॉपर्टी लग्जरी लगी ना लगी। हाँ जी मैम, बस सर चेक लेने गई थी ऐसी प्रॉपर्टी देखने के बाद। तो प्रॉपर्टी सुंदर है? हाँ जी, सेटिस्फाइड हैं? यस आई एम सेटिस्फाइड। सो अब मैम भी सेटिस्फाइड हो गई हैं। अगर आप भी सेटिस्फाइड हैं तो जल्दी आइए, विजिट करें एंड कहते हैं बुक करें इस प्रॉपर्टी को।